हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। यह है हमारा पहला चैप्टर, इसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और ये उसका पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, आप डायरेक्टली पार्ट टू पे पहुंच चुके हो, तो आप पहले पार्ट वन देख लीजिए। क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक होती है, जिसका नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, हम उस बुक को कवर कर रहे हैं एंड धीरे धीरे सारे ही चैप्टर जो है हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है जहाँ से हमें शुरू करना है, वो टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे आपको मैप दिखाया हुआ है उस टाइम का जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, बिल्कुल उस पर्टिकुलर मूवमेंट का, कह लीजिए 15 अगस्त 1947 जो टाइम है, तब का ये मैप रहा है। ओके, अब इस मैप में अब जो ये वाला एरिया है, ये होगा ये वाला एरिया जो है, ये पाकिस्तान बन जाएगा, और ये बाकी वाला एरिया जो है, ओके, डॉटेड पिंक बाउंड्री जो है, वो वाला एरिया देखिए, ये वाला वो इंडिपेंडेंट इंडिया है। लेकिन अब जो ब्लू वाला एरिया है, जो इंडिया के ही ये डॉटेड बाउंड्री के अंडर आ रहा है, अब यहाँ पे इनको इंडिया में यूनाइट करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले जो प्रिंसली स्टेट हैं, ये कह दे कि ये इंडिपेंडेंट रहें, क्योंकि फिर क्या होगा, छोटे छोटे बहुत से स्टेट बन जाएंगे, नेशन स्टेट बन जाएंगे, ठीक है। और वो ओवरऑल सिक्योरिटी के हिसाब से, स्ट्रेटेजिकली, हर तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और इंडिया ने क्या किया था, पार्टीशन को भी फेस किया था, तो हमारे जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी टीम, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में किसी भी तरीके का और कोई डिवीज़न हो, बिकॉज़ हमने जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, नेशनल मूवमेंट जो था, उसमें अलग अलग हिस्सों से, इंडिया के अलग अलग हिस्सों से पार्टिसिपेशन रहा था। लेकिन फिर भी अब जब आज़ाद होने के बाद अगर ये रियासतें अलग कंट्री बनाना चाहेंगी, तो वो बिल्कुल भी किसी भी लीडर को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। और एक पर्टिकुलर इंडिया की टेरिटरी को यूनाइट कर पाना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। हम देखेंगे कि कैसे नेगोसिएशंस हुए, क्या क्या किस तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश करी जाएगी, जो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट है ये, तो इन अलग अलग प्रिंसेस को कन्विंस किया जाएगा, परसुएड किया जाएगा कि आप इंडिया में ज्वाइन कीजिए। तो ये कैसे होगा, वो हमें पढ़ना है। सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ब्रिटिश जो है ना, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया जो है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था, दो मतलब ब्रॉड कैटेगरीज इसमें दो थी। एक तो था ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स जो थे, प्रिंसली स्टेट्स में क्या होता था, एक रूलर होता था, कोई ना कोई एक शासक होता था, और लेकिन साथ ही साथ वो रूलर या वो प्रिंस या फिर कह लीजिए वो जो किंग होता था, राजा होता था, वो उसको इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती थी, सम पावर, सम फॉर्म ऑफ पावर, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, आई एम सॉरी, तो सम फॉर्म ऑफ पावर जो थी उनके पास होती थी, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर में, सिक्योरिटी में उनको, उनके पास भी पावर नहीं होती थी। और उन्होंने भी, दे ऑल्सो हैव एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमसी, उन्होंने भी ये मान रखा है कि ब्रिटिश हमसे सुप्रीम है, हम ब्रिटिश जो राज है उसकी सुप्रीमसी को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और सरेंडर करते हैं, इस चीज़ को उन्होंने भी मान रखा था। लेकिन फिर भी इंटरनली उनके पास कुछ पावर्स थी। और अब दूसरी जो बात है, ये है इंडियन प्रोविंस, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जो है, यहाँ पे क्या होता था, टोटली ब्रिटिशर्स का राज होता था, ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन प्रिंसली स्टेट में इंटरनल अफेयर्स एक राजा चलाता था, और ओवरऑल अगर कोई दूसरे जो पावर्स हैं, वो सारी ब्रिटिश के पास ही होती थी, और सुप्रीमसी भी उन्हीं की मानी जाती थी। तो 1/3 ऑफ द लैंड है, अब यहाँ पे 1/3 ऑफ द लैंड जो है इंडिया का, वो प्रिंसली स्टेट के अंडर भी आता था। इसलिए इंडिपेंडेंस होने के बाद ये प्रॉब्लम अराइज हुई कि किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में ज्वाइन करवाया जाएगा। सो द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या थी, दो तीन तरीके के यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखने थे। सबसे पहले तो ये कि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना रूल ख़त्म किया, उन्होंने बोला कि ये जो पैरामाउंटसी है, पैरामाउंटसी मतलब ब्रिटिशर्स को सुप्रीम समझना और उनकी पावर को रिकॉग्नाइज करना, और जैसे जैसे वो बोलें वैसे वैसे करना, और उनको अपने एक्सटर्नल अफेयर में, अपने सिक्योरिटी में एक परमिशन देना कि आप भी इंटरफेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ उन्होंने बोला कि ये जो पैरामाउंटसी है, उसके सारे कंडीशंस जो हैं वो लैप्स हो जाएंगी, बिकॉज हमारी यहाँ पे रूल ख़त्म हो रहा है। तो ये एक चीज़ हुई। उसके बाद अब ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं,
ये सारी लीगली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। और फिर क्या हुआ, जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि आप लोग इंडिया ज्वाइन कर लीजिए, पाकिस्तान ज्वाइन कर लिए, या फिर इंडिपेंडेंट भी आप रह सकते हो। तो ये सारे चॉइसेस किसको दी गई, प्रिंसली स्टेट्स को। अब यहाँ पे एक कैच ये है कि ये जो चूज़ करने की फ्रीडम है, ये जो चूज़ करना है, ये वहाँ के राजा को चूज़ करना है, ना कि वहाँ के लोगों को। लेकिन अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है और हम मान लीजिए डेमोक्रेसी ला रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में तो लोगों की सुनी जानी चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसा जैसा प्रिंसली स्टेट के राजा चाहते हैं, प्रिंसेस चाहते हैं, उसी तरीके से वो कर सकते हैं अपने राज्य के, अपने रियासत के साथ, अपने किंगडम के साथ। ये चीज़ ब्रिटिशर्स कह के इंडिया से चले गए, ठीक है, और हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी जिसने कि क्या किया था, इंडिया के एग्जिस्टेंस पर ही, एक यूनाइटेड इंडिया के एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे हमारे लीडर्स ने, जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी ने किस तरीके से हमें यूनाइट करके रखा, और फिर ये जो इशूज़ थे, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस चाहते थे, उससे कैसे टैकल किया। सबसे पहला, अगर किसी की आवाज़ आई तो वो आई ट्रावणकोर से। ट्रावणकोर के जो रूलर थे उन्होंने बोल दिया कि हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए और हम एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे। उसी तरीके से हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने भी इसी तरीके से कहा कि हम भी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। और फिर उसके बाद भोपाल के जो नवाब थे उनका भी जो एटीट्यूड था वो ऐसे ही था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बातों से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, ठीक है। तो अगर आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत, तो आपको ये चीज़ पता होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो नवाब थे भोपाल के, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये बोलते हुए कि ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, तो इसमें तो राजाओं की और प्रिंसेस की पावर सारी ख़त्म ही हो जाएगी। इस चीज़ को वो अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ थे भोपाल के, हैदराबाद के, ट्रावणकोर के नवाब, और भी बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके जो भी प्रपोजल्स थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब ये जो रिस्पांस है जो कि हमारी गवर्नमेंट को मिल रहा है प्रिंसली स्टेट से, इसका मतलब ये था कि इंडिया जो है अब फर्दर स्मॉल स्मॉल कंट्रीज़ में डिवाइड हो सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने वो भरपूर कोशिश करेगी कि हम किस ना किसी तरीके से प्रपोज करें जो प्रिंसेस हैं और जो राजा है उनको, और किसी ना किसी तरीके से, मतलब जितनी भी चाहे मेहनत लग जाए, नेगोशिएशन हो जाए, बार बार आना पड़े उनके, यू नो, उनके पैलेस में, और बार बार उनसे मीटिंग करनी पड़े, वो सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें ये रियासतें जो हैं इंडिया ज्वाइन कर लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम इंडिपेंडेंट रह सकें, ओके, ताकि हम एक यूनिटी के साथ, एक पूरे इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बनी रह सके, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इन्होंने मशक्क़त करी। सो अब नेक्स्ट चीज़ ये है, गवर्नमेंट की फिर क्या अप्रोच रही। गवर्नमेंट जो है इस बात पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टांस लिया, यानी कि बहुत एक जिम्मेदाराना वाली पोजीशन ली, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में बंटने नहीं देंगे। और जिस तरीके से इंडियन पब्लिक को, या फिर कह लीजिए इन रियासतों को भड़काया जा रहा है कि इंडिया को ज्वाइन आप मत करिए, आप इंडिपेंडेंट रहिए, वो सारी चीज़ों से ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, बिकॉज़ इंडिया ने अभी पार्टीशन भी देखा है और हमने बहुत ज़्यादा उसमें वायलेंस वगैरह देखा है, तो आगे भी ये जो छोटे छोटे स्टेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे कंट्रीज़ बन जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ये चीज़ पहले से ही समझ आ गई थी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको, या फिर कह लीजिए हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, ठीक है। तो अब जो हमारे सरदार पटेल हैं, जो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल निभाया इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ ज्वाइन करवाने में। और इन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिकली और नेगोशिएशंस को यूज़ करते हुए इंडियन यूनियन में बहुत से प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करवाया। और अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये सब कुछ ईजी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल चीज़ थी जो इन्होंने करी थी, और इसके लिए बहुत स्किलफुल परसुएशन की ज़रूरत थी। और हम अगर देखें, बहुत ज़्यादा इंटेंसली देखें कि कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स में इन्हें जाना पड़ा होगा, उनसे बात करनी पड़ी होगी, उनको लेटर भेजने पड़े होंगे, उनसे मीटिंग करनी पड़ी होगी,
तो 26 स्टेट्स तो उड़ीसा में ही थे, ठीक है, और गुजरात में 14 स्टेट्स थे, बड़े बड़े स्टेट्स, और 119 स्मॉल एंड न्यूमरस अदर स्टेट्स थे जिनको कि हमें परसुएड करना था और जिनको हमें कन्विंस करना था। उसके बाद अब गवर्नमेंट की जो अप्रोच है उसमें तीन गाइडलाइंस थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपना एक फ्रेमवर्क बना रखा था कि इन कारणों की वजह से हम चाहते हैं कि असली स्टेट्स को परसुएड किया जाए। तो सबसे पहला कारण क्या था? सबसे पहला कारण था कि लोग जो होते हैं ना, लोग जो प्रिंसली स्टेट्स के हैं वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, ये चीज़ वो एक माइंड में लेके चल रहे थे कि अगर लोग जो चाहते हैं उस तरीके से चीज़ वही उनकी विल पर अगर हम ध्यान दें कि जो कह लीजिए जो जनता है उस प्रिंसली स्टेट के रहने वाले जो लोग हैं वो जो चाहते हैं उस तरीके से हम उस प्रिंसली स्टेट के साथ बात करेंगे कि आपको इंडिया ज्वाइन कर लेना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या थी, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रही थी और चाह रही थी कि अगर उन रीजन्स को जो प्रिंसली स्टेट हैं आज उनको कोई स्पेशल पावर या कोई ऑटोनॉमी वगैरह चाहिए तो वो उनको दे सकते हैं, जस्ट उनको इंडिया में ज्वाइन करना होगा, ठीक है। एक ये चीज़ थी। और अब ये जो आइडिया है वो अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें चाह क्या रही है कि हम किसी ना किसी तरीके से अकोमोडेट कर लें और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाएं। किसी पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना नहीं चाह रहे थे हमारी गवर्नमेंट में जो लोग थे, वो चाहते थे कि हम किसी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, लेकिन इन सारी प्रिंसली स्टेट को हम इंडिया में ज्वाइन करवाएंगे ताकि हमारी एक जो मैप है, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, और ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो ना बने, क्योंकि उससे और ज़्यादा वॉयलेंस हो सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो। थर्ड ये है कि हमने पार्टीशन देखा है, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वॉयलेंस होता है, किस तरीके से बुरे हालात बनते हैं, उस चीज़ को दोबारा से हम कभी नहीं देखना चाहेंगे, और उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये जो परसुएशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है ये ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत से ऐसे स्टेट्स थे, तो अब जब प्रिंसली स्टेट्स को ये प्रपोजल भेजे गए होंगे, ओके, तो बहुत से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने बोला कि ठीक है हम इंडिया के साथ ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे, ठीक है, और वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गए। लेकिन अब कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, जो इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। और अब इसमें जो क्या है, खासकर इसके जो रूलर्स हैं ना, जो जूनागढ़ के नवाब थे, राजा थे, और हैदराबाद के निज़ाम, कश्मीर के राजा और मणिपुर के राजा, ये सारे ही इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ आनी चाहिए, क्योंकि जनता की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे रूलर्स की ही स्पेशली बात हो रही है कि जनता को अभी जो है ज़्यादा वॉइस मिल नहीं रही है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यही कहेगी कि जनता की जो मांग है, जनता अगर चाहती है कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें तो उस तरीके से ही हमें आगे बढ़ना है। तो अब जो कश्मीर वाला इशू है अब हम 8 चैप्टर में देखने वाले हैं, और जो उसके अलावा हैदराबाद और मणिपुर है उसका इशू हम देखेंगे। और वो जो जूनागढ़ वाला इशू है, जूनागढ़ का बहुत कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। जूनागढ़ में यही है कि जो उसके नवाब थे, राजा थे, वो पाकिस्तान चले गए थे क्योंकि उनको वहाँ पे ही रहना था। उनको इस चीज़ के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो पाकिस्तान ही ज्वाइन करें और उनकी जो उनकी रियासत है वो भी पाकिस्तान में ही ज्वाइन करें, लेकिन ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स वगैरह देने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब उनको बहुत ज़्यादा प्रपोजल आने लगे तो वो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आ गए कि ज्योग्राफिकली भी मैं पाकिस्तान ज्वाइन नहीं कर सकता, ओके, मेरी रियासत जो है वो पाकिस्तान ज्वाइन नहीं कर सकती, और ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं वो भी हिंदू थे। तो इन सारे कारणों की वजह से जो राजा थे वो खुद ही पाकिस्तान चले गए, ठीक है। सिंपल सी बहुत ही छोटी सी कहानी है जूनागढ़ की। तो अब मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हैदराबाद कैसे इंडिया में ज्वाइन हुआ और मणिपुर कैसे इंडिया में ज्वाइन हुआ। सो लेट अस सी दीज टॉपिक्स। सो गाइज, ये सरदार पटेल हैं ये वाले, और ये हैदराबाद के नवाब हैं, निज़ाम, सॉरी, या सो हैदराबाद का जो इशू है। सो गाइज, हैदराबाद जो है ना एक बहुत ही लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था जो कि इंडियन टेरिटरी के द्वारा सराउंड किया गया था, और सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक मतलब आते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपली कि हैदराबाद बहुत बड़ा एक किंगडम था, ठीक है। और अब ये जो रूलर है इसको कहते थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद।
ठीक है, रूलर को निज़ाम कहते थे, और एक ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये वन ऑफ़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे। और जो नवाब थे वो चाहते थे कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, ठीक है, वो चाहते थे कि हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। और उन्होंने ये बोला कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या मुझे इंडिया ज्वाइन करना है या नहीं, तो इसलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने साइन किया, और उन्होंने बोला कि मुझे तो इंडिपेंडेंस चाहिए, और उन्होंने क्या किया, ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया नवंबर 1947 में फॉर अ ईयर, और नेगोशिएशंस जो थे वो स्टिल देवर गोइंग ऑन। सो अब ये सब जब हो ही रहा था तो लोगों ने यहाँ पे मूवमेंट चलाया हैदराबाद स्टेट में निज़ाम के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ लोगों ने मूवमेंट चलाया, और उन्होंने ये कहा कि ये निज़ाम बहुत ऑप्रेसिव है, हमें इंडिया के साथ ही ज्वाइन करना है। और जब ये सारी चीज़ें उठने लगी तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग पार्टीज़ भी जो हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेसी, जो हैदराबाद की जो कांग्रेस होगी, उन्होंने भी क्या किया, लोगों का साथ दिया कि हाँ हमें इंडिया के साथ ही ज्वाइन करना है। अब जो निज़ाम है जो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, उन्होंने क्या किया, अपनी जो पैरामिलिट्री थी मतलब निज़ाम की जो अपनी फ़ोर्स थी जिनको कि वो कहते थे राजा कर, उनको भेज दिया कि इन लोगों को आप टैकल करें और ये जो लोग हैं इनको डिस्पर्स कर दें, ठीक है। तो अब ये चीज़ जब हुई तो लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ, कह लीजिए वॉयलेंस हुआ, उनको भगाया गया होगा, ओके, तो ज़ोर ज़बरदस्ती हुई होगी, तो ये एक चीज़ थी। लेकिन उसके बाद जब ये इतना वॉयलेंस वगैरह होने लगा तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आर्मी भेजी जाए और इस सिचुएशन को संभाला जाए। और आर्मी ने फिर क्या किया, निज़ाम के फोर्सेस पर और जो पूरा एरिया था उस पर कंट्रोल स्थापित किया, और सितंबर 1948 में हैदराबाद इंडिया में ज्वाइन कर गया, ठीक है। और आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, नवाब जो है, जो निज़ाम है, उन्होंने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद जो है वो इंडिया में ज्वाइन हो गया। सो गाइस, बिकॉज टॉपिक्स जो हैं बहुत लंबे खींच रहे हैं, इसलिए मैंने पार्ट 3 बनाया है जिसमें हम मणिपुर को कैसे इंडिया में ऐड किया गया होगा, ओके, किस तरीके से मणिपुर के राजा को परसुएड किया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, और उस पूरे चैप्टर को, ये वाला जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 1, इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। वो वीडियो भी कुछ 12 और 13 मिनट्स की ही होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो मिलते हैं हम पार्ट 3 में। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो।